हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं एक ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो बालों को काला करेगी, वो भी नेचुरल। जब नीचे से बाल आपके आएंगे तो वो सारे काले आएंगे। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर आपका दूर करेगी और दो से तीन तरीके से बताऊंगी लगाना। जो भी तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपकी 40 प्लस की एज भी है तो ये रेमेडी वर्क करेगी, जैसे मेरे वर्क करती है। और आप मेरे बाल देख सकते हैं, 40 की एज के बाद हमारे बाल जो है तेजी से, बहुत तेजी से सफेद होने लगते हैं। यहाँ तक कि कम उम्र में भी जो है 16-17 की एज में, काफी कम उम्र में भी आपके बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, आप मेरे बालों को देख सकते हैं, नेचुरली काले हैं। और जबकि मैंने अपने बालों में अभी कुछ दिन पहले कलर्स भी करा लिया था, यानी कि मैंने अपने बालों को हाईलाइट्स कराया था, वो भी ब्राउन कलर का। और मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बालों में, ये देखिएगा नीचे नीचे ये कलर्स रह गया है। मैंने यहां से कराया था और मैंने जब नेचुरल रेमेडी को अप्लाई किया अपने बालों के अंदर तो उसने बहुत अच्छा वर्क किया, जिससे मेरे बाल सफेद नहीं हुए। और इस उम्र में तो बाल जो है अच्छे खासे सफेद हो जाते हैं। तो आप मेरे बालों को देख सकते हैं और कितने ज्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट मेरे बालों का टेक्स्चर है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये देखिएगा कितने अच्छे मेरे बाल हैं। और साथ ही मैं आपको स्किन केयर भी शेयर करती रहती हूँ, झाइयां पिगमेंटेशन के लिए भी शेयर करती रहती हूँ, तो वो रेमेडी आप जरूर से देखा करें, सारी झाइयां आपकी दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, देखिएगा स्किन केयर भी मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरी स्किन का आप टेक्सचर देख ही सकते हैं, अच्छा खासा है। और कोई भी मेरी स्किन पे दाग धब्बा नहीं है। पहले चेहरे पे बहुत ज्यादा झाइयां थी और मैं अच्छी खासी गोलू मोलू थी, यानी कि काफी अच्छा खासा मैंने अपने वजन को लूज किया है और आप देख सकते हैं। और मैं काफी जो है स्लिम ट्रिम हो चुकी हूँ। तो कैसे किया मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और मैं काफी टाइम के बाद जो है फेस टू फेस आई हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अब आपको इसी तरह का वीडियोज मिलता रहेगा तो चलेगा। और मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती हूँ, वहां जरूर से फॉलो कर लिया करें आप, वहां मैं विजिट स्टोर्स वगैरह के लिए शेयर करती रहती हूँ, तो आप जो है वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम पहले। फ्रेंड्स, देखिएगा एक ये तरीका है जो सर्दियों में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और कई बार जो है मेरी फैमिली में भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन्हें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है इसका अमेजिंग रिज़ल्ट आता है। और दूसरा तरीका ये है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से बना सकते हो। तीसरा तरीका भी बताऊँगी जो प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए होगा। जो भी तरीका आपको पसंद आता है उस तरीके से आप अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। तो ये है झटपट बनने वाली रेमेडी। तो फ्रेंड्स, देखिएगा सबसे पहले हमें आयरन पाउडर ले लेना, उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करके उसे आप एक जो है कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। तो मैं आपको ड्राई रोस्ट पाउडर दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको ड्राई रोस्ट करके रख लेना है। देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको चुकंदर का जूस ऐड कर देना है। अगर आपके पास में बीटरूट का पाउडर है, वो भी ड्राई पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें चुकंदर का रस भी डाल सकते हैं। अब देखिएगा, चुकंदर का रस जो है हमारे बालों को नेचुरली रंग देने का काम करता है। आप चुकंदर का एलोवेरा जेल भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है, वो स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो मैं रेमेडी आपको स्किन केयर की भी शेयर करूँगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो अब इसे आपको अच्छे से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। इसे मिक्स करके आपको जो है इसे 5 मिनट तक मिक्स करना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट हमारे जो है अच्छे से मिक्स हो सके। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी जो है बालों में रंग देने का काम करती है और जो हमारे बालों में पिगमेंट बनना बंद हो गया, हमारे बाल जो है तेज़ी से सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है। अब आपको इसे जब तक गर्म करना है, जब तक सिम गैस पे काम करना है, जब तक ये पूरा थिक नहीं हो जाता, थोड़ी सी क्वांटिटी में ये सिर्फ आपका बचेगा, इतना ही आपको इसे पकाना है। और इसमें अगर आपके पास बीट रूट के पत्ते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये थिक हो चुका है इस तरीके से। और अपने बालों में आप अप्लाई कीजिए, जब भी अप्लाई करें ऑयल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया फर्स्ट तरीका जो सफ़ेद बालों को नेचुरली काला करेगा आपका। अब मैं आपको सेकंड तरीका जो है शेयर करती हूँ, जो बालों को नेचुरली काला करेगा आपके। देखिएगा फ्रेंड्स, सेकंड तरीके में अब मैं आपको सफ़ेद बाल दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है सफ़ेद बालों को काला करने की। किसी भी पार्टी वगैरह में आप जाते हैं तो आप सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हम सोचते रहते हैं क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो इस तरीके से आप अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कारगर रेमेडी है और ये जो है मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा उनको रिज़ल्ट मिला।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आयरन की कढ़ाई चाहिए होगी। यहाँ पे आयरन की कढ़ाई के अंदर आपको डालना है 1 से 2 चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर आपको ज़रूर से डालना है कि कोई भी रेमेडी आप हेयर की बनाते हैं तो कॉफ़ी ज़रूर से इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये बालों में बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही आपके बालों में पिगमेंट को बढ़ाने का काम करती है और रंग दे देती है, क्योंकि नेचुरल रेमेडी जो है हम चाहते हैं हमारे बालों में रंग आए, तो कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। अब देखिएगा सेकेंड इन्ग्रीडियंट, ये जो मैंने यहाँ पर लिया है ये है आयरन पाउडर विद, इसके साथ में काला कत्था मैंने मिक्स किया है। इन दोनों को मिक्स करके आप एलोवेरा जेल से मिक्स कर लीजिए और फिर अपने बालों में एप्लीकेशन करनी है। हेयर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, बालों में कोई भी ऑयल नहीं लगा होना चाहिए जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आपको बालों में पूरे में अप्लाई कर लेना है और ये इतना अच्छा वर्क करता है, इतने अच्छे से रंग देता है, बालों को नेचुरली काला करने का काम करता है। वेट ड्राई होने तक रखना है और फिर नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 100% बालों को काला करता है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows.